हमारे जीवन में सबसे मूल्यवान क्या है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, एक बात याद रखें, एक होती है जीवन जीने की वस्तुएं और एक होती है जीवन जीने की कला। जीवन जीने की वस्तुएं कम ज्यादा मात्रा में हर आदमी के पास है, लेकिन जीवन जीने की कला किसी किसी के पास है। जीवन जीने की वस्तुओं की कमी होने के कारण आदमी उतना दुखी नहीं है जितना जीवन जीने की कला न होने के कारण दुखी है। जीवन जीने की कला खुद को सीखनी होती है। जीवन जीने की जो वस्तुएं हैं उन्हें प्राप्त करने के लिए आप अनेक प्रकार की मेहनत कर रहे हैं, अनेक प्रकार के काम कर रहे हैं। लेकिन जीवन जीने की कला ये तो हर आदमी को सीखना होगा। यह भी याद रखें कि जीवन में परिस्थितियां एक जैसी नहीं होती है, बदलती रहती है। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है, कभी सुख कभी दुख, कभी हानि कभी लाभ, कभी सम्मान कभी अपमान, कभी निंदा कभी प्रशंसा, कभी परिवार में किसी का जन्म तो कभी किसी की मौत। ये सारी घटनाएं हर आदमी के जीवन में घटित तो होती रहती हैं, कोई बचा नहीं है। ऐसा कोई आदमी दुनिया में नहीं हुआ है जिसके जीवन में केवल सुख ही सुख रहा हो, और ऐसा कोई आदमी दुनिया में नहीं हुआ है जिसके जीवन में केवल दुख ही दुख रहा हो। जीवन का नाम ही है सुख और दुख का द्वंद्व, जन्म और मरण का द्वंद्व, क्योंकि हमारा पूरा जीवन ही द्वंद्वात्मक जीवन है। द्वंद्व से ही इस जीवन का निर्माण हुआ है, और दो पदार्थों के मेल से हमारा जीवन, हमारा शरीर खड़ा है। एड़ी से चोटी तक दिखाई पड़ने वाला यह जो शरीर है भौतिक द्रव्यों का सम्मिश्रण है, लेकिन इसके भीतर जो बैठा हुआ चेतन है वो भौतिक द्रव्यों से सर्वथा अलग है, वह अभौतिक पदार्थ है। संसार में दो ही तत्व है जिन्हें हम सामान्य भाषा में जड़ और चेतन कहते हैं। दार्शनिक भाषा में प्रकृति और पुरुष कहते हैं, और विज्ञान की भाषा में मैटर और सोल कहते हैं। भाषा अलग अलग है, शब्द अलग अलग है,
लेकिन वस्तु वही है। जड़ और चेतन ये दो मूल पदार्थ हैं। जड़ अलग है और चेतन अलग है। जड़ वह है, जड़ पदार्थ भौतिक द्रव्य जिसमें ज्ञान गुण ना हो, जानने का गुण, सुख दुख अनुभव करने का गुण जिसमें ना हो, उसे हम जड़ कहते हैं। ये शमियाना है, पंखा है, बल्ब है, माइक है, टेबल है, कुर्सी है, दरी है, ये सब जड़ पदार्थ हैं। इसमें जानने का गुण नहीं है, सुख दुख अनुभव करने का गुण नहीं है, इसलिए ये जड़ है। लेकिन एक इनसे अलग एक ऐसा पदार्थ है जो जिसमें सुख दुख अनुभव करने का गुण है और जिसमें ज्ञान गुण है, उसी पदार्थों को हम जीव, चेतन, रूह, सोल, आत्मा अनेक नामों से जानते हैं और वह भौतिक तत्वों से सर्वथा अलग है। हमारे वैज्ञानिक लोग 112-113 तत्वों से ज्यादा का निरूपण कर चुके हैं, और चाहे वो 112 हो, 115 हो या जितना भी हो, किसी भी मूल मैटर में, मूल भौतिक पदार्थ में चेतना गुण नहीं है। और जब मूल पदार्थ में मैटर, जो मूल द्रव्य है, उनमें चेतना गुण नहीं है, तो उनके कार्यों में चेतना गुण कैसे आ सकता है? लेकिन चेतना प्रत्यक्ष एक गुण है, ज्ञान प्रत्यक्ष एक गुण है, और कोई भी गुण द्रव्य में ही रहेगा। जिस द्रव्य में चेतना गुण है उसे हम सामान्य भाषा में चेतन कहते हैं, उसी को प्रकृति कहते हैं, उसी को सोल कह देते हैं, और दोनों के मेल से हमारा जीवन खड़ा है। इसलिए हमें भौतिक क्षेत्र में ही भरपूर परिश्रम करने की आवश्यकता है, लेकिन भौतिक क्षेत्र में कहीं भी पूर्णता नहीं है। भौतिक क्षेत्र बाहरी विकास की आवश्यकता है, उसे निर्वाह होता है, सुविधा मिलती है, समाज की सेवा होती है, लेकिन पूर्ण मानसिक संतोष, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, आत्मिक संतोष भौतिक विकास में कहीं है नहीं। उसके लिए चाहिए आध्यात्मिक विकास, आत्मज्ञान की आवश्यकता है। और आदमी उधर बिल्कुल ही ध्यान देना बंद कर दिया है। सामान्य गरीब लोग ही नहीं, अनपढ़ देहाती कहलाने वाले लोग ही नहीं, बाहरी सारी भौतिक सुविधाओं से संपन्न कहलाने वाले लोग भी भीतर से उदास उदास, दुखी, अप्रसन्न, अशांत क्यों है? क्योंकि उन लोगों ने अध्यात्म को पर ध्यान ही नहीं दिया। धर्म के नाम पर कुछ पूजा पाठ करवा लेते हैं, कहीं मंदिर बनवा लिए, कहीं कुछ और बनवा लिए, कहीं कुछ और कर दिए, लेकिन इतने से ही संतोष नहीं होगा, आगे बढ़ना होगा, अपनी चेतना का उद्घाटन करना होगा, अपनी चेतना को जागृत करना होगा, और जागृत करके उसी में लौटना पड़ेगा। जब तक आदमी अपनी ओर नहीं लौटेगा, एक पुस्तक है प्राकृतिक चिकित्सा की पुस्तक, नेचुरलपैथी की जो पुस्तक है, रिटर्न टू नेचर, प्रकृति को लौटो, यदि स्वस्थ जीवन जीना है तो। जैसे शारीरिक रूप से स्वस्थ जीवन जीना है तो प्रकृति को लौटना होगा,
अपना खान पान रहन सहन सब कुछ एक प्राकृतिक सहज ढंग से बनाना होगा। लेकिन मानसिक संतोष के लिए कहना होगा रिटर्न टू सेल्फ, अपने ओर लौटो। अभी हमारे मनोवृत्ति बाहर भटक रही है दुनिया की तरफ, उसकी आवश्यकता है लेकिन वहां पूर्णता नहीं है। पूर्णता अपने आप में है, आत्मस्वरूप में, चेतन स्वरूप में है, अध्यात्म में है। तो भौतिकता और आध्यात्मिकता दोनों के संगम से हमारा जीवन खड़ा है, द्वंद्व से जीवन खड़ा है। और दोनों को समझना है, दोनों में विकास करना है तो जीवन में पूर्णता आएगी। मैं बाहरी क्षेत्र की बात कर रहा था कि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके जीवन में सुख ही सुख रहा हो या जिसके जीवन में दुख ही दुख रहा हो, कभी सुख तो कभी दुख। और ये सुख और दुख दोनों हमें जगाने के लिए ही आते हैं। सुख भी जगाने के लिए आता है, दुख भी जगाने के लिए आता है, शिक्षा देने के लिए आता है कि हम शिक्षा नहीं ले पाते। सुख आता है तो अहंकारी बन जाते हैं और दुख आता है तब एकदम शोकित पीड़ित होकर कमर पकड़ करके बैठ जाते हैं। और दोनों गलत है। सुख आने पर अहंकार मत करो, लाभ होने पर, सम्मान मिलने पर अहंकार मत करो, और दुख आने पर, अपमान मिलने पर, घाटा होने पर निराश मत हो। दोनों का उपयोग करो, दोनों में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाओ। जब सुख आए तब यह समझना कि कभी मैंने धर्म के, पुण्य के, सेवा के बीज बोया था इस जन्म में या इस जन्म से पहले के जन्म में, कभी भी मैंने पुण्य के, धर्म के, शुभ कर्मों के, सेवा के बीज बोया था, उसी की फसल आज मेरे सामने सुख सम्मान के रूप में तैयार मिल रही है मुझे। तो यदि आगे मैं सुखी होना चाहता हूं, आगे प्रसन्नता से जीना चाहता हूं, तो मुझे और अधिक से अधिक सेवा भक्ति धर्म परोपकार के बीज बोना है, ये प्रेरणा लेना है सुख आने पर। और जीवन में दुख आ जाए तब समझना कभी मैंने पाप के, अधर्म के, पीड़ा के बीज बोया था, उसी के फल में आज मेरे सामने दुख आकर के खड़ा है। और यदि आज मैं फिर अधर्म और पाप के बीज बोऊंगा तो मुझे आगे और दुख मिल जाएगा। इसलिए जो हुआ सो हुआ, और अब आज के बाद पाप, अधर्म, पीड़ा की ओर कदम नहीं बढ़ाना है, इनसे बच करके रहना है। लेकिन इसके बाद भी यदि जीवन में दुख आता है, अपमान मिलता है, प्रतिकूलता आती है, घाटा होता है, हानि होती है, शरीर में भयंकर व्याधि होती है, और परिवार में किसी निकटतम व्यक्ति की मौत होती है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं। ये सब जीवन में होना ही, कोई बचा नहीं है। दुख, पीड़ा, प्रतिकूलता, घाटा, बीमारी, मौत, ये सब के सब पार्ट ऑफ लाइफ हैं, जीवन के हिस्से हैं, कोई बचा नहीं है। बड़े से बड़े पुरुष जिनका आपको जिन्हें भगवान कहते हैं, उनके जीवन को देख लो, राम के जीवन को देखो, कितने संकट आए, कहां राजगद्दी होने वाली थी, कहां वनवास, और वनवास में कितने संकट, सीता का हरण, लंका की चढ़ाई, लंका में युद्ध, समुद्र पार किए, अयोध्या आए, राजगद्दी, अयोध्या में अफवाह,
गर्भवती सीता का निर्वासन, कितना दुख आया राम के जीवन में, कृष्ण के जीवन में देखो कितना उथल पुथल है, बुद्ध के जीवन में, महावीर के जीवन में, या हर महापुरुष के जीवन में देख लें, कोई महापुरुष ऐसा नहीं बचा जिन्हें आप भगवान कहते हो, अवतार कहते हो, महापुरुष कहते हो, संत कहते हो, सदगुरु कहते हो, सबके जीवन में उथल पुथल हुए हैं, सबके जीवन में दुख और संकट आया है, लेकिन उनकी विशेषता क्या रही है, वे रोए नहीं, निराश नहीं हुए, हताश नहीं हुए, काम करना बंद नहीं किए, हंसते रहे और हंसते हंसते आगे बढ़ते गए, अंत में विजय उनकी ही हुई। यही उनके जीवन की विशेषता है। तो दुख, संकट, विपत्ति, घाटा, प्रतिकूलता, बीमारी, ये सब पार्ट ऑफ लाइफ हैं, लेकिन इनके आने पर हंसते हुए जीना, मुस्कुराते हुए आगे बढ़ना, प्रसन्नता से अपने काम करते जाना, उदास न होना, निराश न होना, किंतु साहस के साथ आगे बढ़ना, ये आर्ट ऑफ लाइफ है। एक होता है पार्ट ऑफ लाइफ और ये एक होता है आर्ट ऑफ लाइफ। आर्ट ऑफ लाइफ की हमें सीखना होगा, पार्ट ऑफ लाइफ तो अपने आप आ जाएगा। ये ज्ञान की आवश्यकता क्यों है, सत्संग की आवश्यकता, भक्ति की आवश्यकता, पूजा की आवश्यकता क्यों है, इसी आर्ट ऑफ लाइफ सीखने के लिए, जीवन जीने की कला सीखने के लिए। आज आदमी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर तो जोर दे रहा है, हर लिविंग का जो स्टैंडर्ड है, रहने का जो स्टैंडर्ड, स्टेटस, हर आदमी अपना एक स्टेटस बनाने में लगा हुआ है, अच्छी बात। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सबका ध्यान उस पर है, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ पर ध्यान है या नहीं है। स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ होना चाहिए, लिविंग चाहे जैसा हो, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, जीवन का स्तर ऊंचा हो, वो होगा सुंदर कर्म से, आचरण से, चरित्र से। हर व्यक्ति को, चाहे वो साधु हो चाहे गृहस्थ, स्त्री हो चाहे पुरुष, अनपढ़ हो या विद्वान, धनी हो या गरीब, हर व्यक्ति को अच्छी तरह याद रखना चाहिए कि आदमी के चित्र की पूजा नहीं होती है, पूजा चरित्र की होती है। चित्र, ये खाली चित्र चेहरा नहीं, धन, मकान, दुकान, पद, प्रतिष्ठा, गाड़ी घोड़े सब चित्र के समान हैं, पूजा इनकी नहीं होती है, पूजा चरित्र की होती है। पूजा कैरियर की नहीं होती है, पूजा कैरेक्टर की होती है। दुर्भाग्य से हर आदमी कैरियर बनाने में तो लगा हुआ है और कैरेक्टर पर ध्यान बिल्कुल बंद हो गया है, इसीलिए तो दुख है। रामायण में दो मुख्य पात्र हैं, एक है राम और एक है रावण। कहानी बताने का आवश्यकता नहीं, आप सब जानते हैं। अंतर क्या है दोनों में? रावण ब्राह्मण घर में पैदा हुआ है और राम क्षत्रिय घर में पैदा हुए हैं। रावण का पिता विश्रवा ब्राह्मण है। अब आप कहोगे कि रावण तो राक्षस है, उसकी मां कैसे राक्षस जाति की? विश्रवा ब्राह्मण कैसी राक्षस, ब्राह्मण और राक्षस के अंतर जाति शादी हुई थी तो रावण पैदा हुआ था। माता की ओर से रावण राक्षस है, पिता की ओर से रावण ब्राह्मण है, इसलिए कहते थे रावण को ब्रह्म राक्षस। ब्राह्मण भी है और राक्षस भी है रावण, मां की ओर से राक्षस, पिता की ओर से ब्राह्मण।
तो रावण ब्राह्मण जाति में पैदा हुआ है और राम क्षत्रिय। मान्यता के अनुसार से ब्राह्मण बड़ा होता है, क्षत्रिय छोटा होता है। रावण राजा है, अभी राम राजा नहीं बने हैं, राजकुमार है, और राजा राजकुमार से बड़ा होता है। रावण सोने की नगरी लंका का राजा है, महाधनी, और राम तो वनवास में धन का वहां उनके पास है। रावण उम्र में बड़े हैं और राम उम्र में छोटे हैं। रावण के पास पूरी सेना है, राम के पास कौन है, पत्नी है, भाई है और कुछ बानरों की सेना है। इतना सब होने के बाद भी लौकिक दृष्टि से देखोगे तो हर बात में रावण राम से बड़े दिखाई पड़ते हैं। इतना होने पर भी रावण की पूजा नहीं होती, पूजा राम की होती। क्यों? रावण के पास चित्र था और राम के पास चरित्र था, बस फर्क इतना है। एक के पास चित्र है, एक के पास चरित्र है। अब पूजा चित्र की नहीं होती है, पूजा चरित्र की होती है। अब तक जितना जीवन व्यतीत हुआ है, उस बीते हुए जीवन में चित्र बनाने में लगे हुए हैं या चरित्र बनाने में लगे हुए हैं? अपने बीते जीवन को झांक करके देखिए, क्या किया हमने? चित्र को सुंदर बनाया या चरित्र को सुंदर बनाया? चित्र काम नहीं आएगा, काम आएगा चरित्र, आज और आगे। चित्र की भी आवश्यकता है, लेकिन चित्र से ज्यादा महत्वपूर्ण चरित्र की आवश्यकता है। अब गड़बड़ी चरित्र में आती जा रही है। मैंने कहा तो जीवन धीरे के जो स्टैंडर्ड है सबका बढ़िया हो रहा है, लेकिन जीवन का स्तर गिरता चला जा रहा है। देहातों में तब भी कुशलता है, बड़े बड़े शहर है, महानगर जहां जिन्हें कहते हैं, वहां जाकर देखो तो बड़ी गिरावट है। कम से कम हम अपने जीवन में गिरावट ना आने दें, इसी के लिए सत्संग हो रहा है, इसी के लिए भक्ति भी कर रहे हैं, लेकिन सब ऊपर ऊपर तैर रहा, सब ऊपर ऊपर तैर रहा है। हमने धर्म को केवल कहने सुनने की चीज मान लिया, धर्म को हमने पूजा पाठ की चीज मान लिया। धर्म जीवन का अंग है, इस बात पर ध्यान नहीं दिया। धर्म न मंदिर में, न मस्जिद में, न गिरजा, न गुरुद्वारा में, न तीर्थ में, न गया में, न प्रकाशी में, न प्रयाग में, न केदारनाथ में, न बद्रीनाथ में, कहीं भी धर्म नहीं है। धर्म आपके जीवन में है, धर्म आपके चरित्र में, धर्म आपके आचरण में है। धर्म का अर्थ है नैतिकता, सदाचार। धर्म का अर्थ है अपनी ड्यूटी का ईमानदारी से पालन। ये पूजा पाठ, नाम जप, कथा कीर्तन, अखंड जागरण, ये सब धर्म नहीं है। अखंड जागरण की बात आई तो बात, चाहे अखंड जागरण किसी के नाम पर हो, रात रात भर बड़े बड़े हार्न और स्पीकर लगा करके ऊंची आवाज में अखंड कीर्तन किया जा रहा है, अखंड पाठ किया जा रहा है, अखंड जागरण किया जा रहा है। क्यों? धर्म कमाने के लिए, पाप काटने के लिए। लेकिन रात रात भर आपको यदि रात भर कीर्तन करना है, पाठ करना है, जो जागरण करना है, तो रात में 10 बजे के बाद आप लाउड स्पीकर और हार्न बंद करवा दीजिए। अपने घर में बैठ करके पाठ करो, कौन रोकता है आपको? लेकिन दूर दूर तक हार्न फैलाए हुए हैं,
बड़े बड़े साउंड बॉक्स बनाकर रखे, रात भर चिल्ला रहे हैं, अखंड पाठ कर रहे हो या अखंड पाप कर रहे हो? ये रात रात भर चिल्लाना चाहे वो कबीर का ही नाम लेकर कह न कर लो। मैंने कहा था किसी भी नाम ले, सतनाम सतनाम ही जपो, गुरु गुरु ही जपो। अरे रात भर जप रहे हो तो अखंड पाठ नहीं कर रहे हो, अखंड पाप करने का काम कर रहे हो। आप तो पुण्य कमा रहे हो। आपके पड़ोसियों ने कौन सा पाप किया हुआ है कि नींद हराम कर रहे हो सबकी? यहाँ तो सत्संग भी होता है बिहार में 12 बजे 2 बजे 12 बजे 2 बजे 4 बजे रात तक लोग गा रहे हैं। पागलपन की बात इसी बिहार में आज से 11-12 साल पहले की बात है, जब हमारे गुरुदेव जी का शरीर उसमें था। एक बड़े शहर में गुरुदेव जी का कार्यक्रम था। जहां कार्यक्रम हो रहा था पंडाल जहां लगा था उसे लगभग 1.5-2 किलोमीटर तक हार न बांधे गए थे। 72 घंटे तक 1 सेकंड के लिए भी माइक बंद नहीं हुआ था। 72 घंटा 3 दिन 3 रात लोगों की क्या हालत हुई होगी। ये लोग सत्संग कर रहे हैं कि पाप कर रहा है? चाहे कबीर का सत्संग, कई पंथों का सत्संग था ना, कई पंथों को अकल आई ही क्या है आज तक? हम खुद कबीर साहब के मानने वाले हैं और कबीर साहब ने सबको मना किया है और कबीर के नाम पर हम कर रहे हैं लोगों को रात भर जगाने का काम। बड़े बड़े गायक हैं लड़ते हैं गाने के लिए, मारपीट कर लेते हैं, कहां समझे हो कबीर को? राम को कहां समझे कि गुरु को कहां समझे? तो कम से कम धार्मिक हो, आप धार्मिक हो तो थोड़ी सरलता से, विनम्रता से तो काम लो। ऐसा कोई काम तो मत करो कि जिसे पड़ोसियों को, दूसरों को, गांव वालों को तकलीफ हो। कितने बच्चे हैं कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें हार्ट की बीमारी है, रात में बराबर नहीं आती, कितने बूढ़े हैं और रात भर हार्न बजा करके अब खूब आवाज कर रहे हैं। क्या तैयारी करेंगे वो बच्चे परीक्षा के लिए? क्या बूढ़े लोगों की हालत क्या होगी रात भर जाग करके? कभी समझते हो? इसलिए कभी भी सत्संग करवाओ तो 9 बजे 10 बजे के बाद हार्न बिल्कुल ही बंद कर दो। तब तक कम से कम सुबह 5 बजे तक। वैसे सुप्रीम कोर्ट का नियम तो यही है कि रात में 10 बजे से सुबह 6 बजे तक हारने के बाद बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर छह बजे कर सकते तो 5 बजे तक तो चलाओ। धर्म को हमने समझा कहां अभी तक? धर्म वह है हमारे जीवन का ऐसा व्यवहार, ऐसा आचरण जिससे दूसरों को असुविधा ना हो, दूसरों को तकलीफ ना हो, दुख ना हो, किंतु दूसरों को सुविधा मिले, सुख मिले, प्रसन्नता मिले, वही धर्म है। अब सोच सकते हो कैसे कौन कौन सा काम है हमारे ऐसे कौन कौन सा व्यवहार है, कौन कौन सा आचरण है जिससे दूसरों को तकलीफ मिलती है। स्वयं सोचो और सोच करके ऐसे व्यवहार, ऐसे आचरण, ऐसे कर्म का त्याग करते चले जाओ। दूसरी तरफ इस बात पर विचार करो कि हमारे से कौन से कर्म है, व्यवहार है और आचरण है जिससे मुझे प्रसन्नता मिलती है, मुझे संतोष मिलता है और दूसरों को भी प्रसन्नता मिलती है, संतोष मिलता है, सुविधा मिलती है। सोच कर विचार करके ऐसे कर्म, ऐसे व्यवहार, ऐसे आचरण करते चले जाओ, बस धर्म हो गया। धार्मिक होने धार्मिक होने के लिए
आपको मंदिर जाने की कोई जरूरत नहीं है, गंगा नहाने की कोई जरूरत नहीं। बिना गंगा नहाए, बिना मंदिर गए, बिना पूजा किए, बिना आरती वंदना किए आप धार्मिक हो सकते हो। यदि आपका चरित्र उज्ज्वल है, आचरण पवित्र है, कर्म शुद्ध है, तो धार्मिक होने के लिए ईश्वर मानने की कोई जरूरत। बिना ईश्वर माने आदमी धार्मिक, बिना भगवान माने आदमी धार्मिक हो सकता है। धार्मिक होने के लिए भगवान मानने की आवश्यकता नहीं है। धार्मिक होने के लिए ईश्वर परमात्मा मानने की आवश्यकता नहीं है। धार्मिक होने के लिए अब सबसे बड़ी आवश्यकता है मनुष्यता को समझना, इंसानियत को समझना। मैं इंसान हूँ, आप इंसान हो, बस। और एक इंसान को दूसरे का कर्तव्य होता है दूसरे इंसान से इंसानियत का व्यवहार करना। इंसान बने और ईमानदारी पूर्वक काम करें, बस। इंसानियत और ईमानदारी पूर्वक व्यवहार, यही धर्म है। यदि इंसानियत नहीं है, हम दूसरे इंसान का, दूसरे मनुष्य के साथ मनुष्यता का व्यवहार नहीं कर सकते। न जीवन में सत्य है, न ईमान है, न उज्ज्वल चरित्र है। रात दिन पूजा पाठ कर रहे हो जा करके, कौन सा भगवान खुद हो जाएगा। सबसे बड़ा धर्म मनुष्य के साथ मनुष्यता का व्यवहार। जात पात बिल्कुल बेकार। आपको अपने बेटे बेटी की शादी जब करनी हो, इतने एडवांस आप नहीं हुए हैं, इतने आधुनिक नहीं हुए हैं, इतना बल नहीं है कि कहीं भी अपने आप बेटे बेटी शादी कर लो योग्य वर और वधु देख करके। ऐसी हिम्मत नहीं है तो कम से कम उस समय आप जाति पूछ लो, बेटा बेटी शादी करना हो तब। बाकी समय की क्या जरूरत है जाति पूछने की। अरे आदमी की जाति तो आदमी ही है, बस। यहाँ हजारों लोग बैठे हैं स्त्री पुरुष। कोई अपरिचित आदमी आ जाए जो पहली बार यहाँ आया हो, किसी जानता ना हो, तो यहाँ लोगों को देख करके ये बता नहीं पाएगा इसमें ये व्यक्ति ये जाति का है, व्यक्ति ये जाति व्यक्ति का है, ये व्यक्ति इस जाति का है, लेकिन बता देगा यहाँ इतने लोग बैठे हुए हैं। जिसको देखते ही पहचान लिया जाए वह असलियत है। देखते हम पहचानते मनुष्य को। गाय को हम देखते पहचान लेते हैं, घोड़ा पहचान लेते हैं, कुत्ता बिल्ली पहचान लेते हैं, गधे को पहचान लेते हैं, हाथी को पहचान लेते हैं, आदमी को नहीं पहचानते। बस पूछना पड़ता है, बाबा आप कौन जाति के? अरे आदमी जाति के हैं, बस। और कौन जाति चाहिए आपको? जाति वर्ण मत मजहब सबको हटाकर मनुष्य के साथ मनुष्यता का व्यवहार। जहाँ मनुष्यता होगी वहाँ ईमानदारी होगी, वहाँ सत्यतापूर्ण व्यवहार होगा, दया होगी, क्षमा होगी, प्रेम होगा, समता होगी। बस ये धर्म है। इसी से विकास होगा। और ऐसा आपने नहीं किया। रोज मंदिर जाते हो, पूजा करते हो, कभी कल्याण नहीं हो, कभी भगवान मिलने वाला नहीं है। किसी कवि ने बड़ी सुंदर बात कही है दो पंक्तियों में, और सब कुछ इसमें आ जाता है। कवि कहता है प्यार जो करता नहीं इंसान को पूज करके पत्थरों को रात दिन कभी पा नहीं सकता भगवान को। भगवान को समझना है तो इंसानियत और ईमानदारी, ये दो को समझना हो। इंसानियत और ईमानदारी छोड़ करके सारे भगवान झूठे साबित हो जाएंगे। किस काम का भगवान फिर जाए जीवन में इंसानियत और ईमानदारी नहीं है तो किसके लिए भक्ति करते हैं आप? किसके लिए गुरु की सेवा करते हैं? किसके लिए गुरु पास जाकर के दीक्षा लेकर के कंठी माला पहनते हो? उसी के लिए कि इंसानियत को इंसान बने और
इंसानियत का व्यवहार करे तो हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा बस। आज हिंदू मुसलमान को लेकर देश में क्या हो रहा है, कुछ खुराफाती लोग हैं जो केवल सनसनी पैदा करके समाज में फूट डालना चाहते हैं। लेकिन हमें समझना होगा भारत राष्ट्र में जितने भी लोग जन्मे हैं सब भारत माँ के बेटे हैं और भारत के नागरिक हैं, वो किसी मत मजहब के मानने वाले हैं। जो लोग राष्ट्र विरोधी काम कर रहे हैं उन्हें भी समझना होगा, और जो लोग उनके प्रतिक्रिया में पढ़ करके काम कर रहे हैं उन्हें भी समझना होगा। एक घर में हम चार लोगों से प्रेम करें, दो लोगों से बैर करें, घर टूटेगा। घर को मजबूत बनाना है तो छहों लोगों से प्रेम करना होगा। इसी प्रकार किसी जात किसी वर्ण किसी मत किसी मजहब किसी समाज किसी संप्रदाय में पैदा व्यक्ति है सब भारत माँ के बेटे हैं भारत के नागरिक हैं। जब तक सब में प्रेम समता एकता का व्यवहार नहीं होगा, सब मिलजुल करके संगठित नहीं होंगे, तब तक राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता। जहाँ कलह है द्वंद्व है झगड़ा है विवाद है भगवान को लेकर मंदिर को लेकर मस्जिद को लेकर पूजा पाठ को लेकर नमाज अजान को लेकर के और जागरण को लेकर वहाँ कहाँ विकास हो पाएगा। इसलिए मूल बात को समझना होगा हमको। सब लोग अपने ढंग से पूजा करें पाठ करें, लेकिन अपने पूजा पाठ में दूसरे को व्यवधान न डालें बस। जिस पूजा से दूसरे को तकलीफ हो रही है वो पूजा पूजा नहीं है। पूजा का अर्थ है हमें भी प्रसन्नता मिले और दूसरे भी प्रसन्नता मिले, वो पूजा चाहे कुछ भी नाम रख लो। धर्म जोड़ने का काम करता है। जो आदमी को आदमी से तोड़े वो धर्म नहीं है अधर्म है। धर्म बांटने का काम नहीं करता। जो आदमी से आदमी को बांटता हो वो धर्म नहीं अधर्म है। और जो आदमी को आदमी से बांटने का काम करता है वो भगवान के भगत नहीं शैतान के भगत है। शैतान के भगत न बनो इंसान के भगत बनो इंसानियत और ईमान के भगत बनो। सब कुछ आ जाएगा फिर इसमें। अब यही तो नहीं हो रहा बाकी सब तो कुछ हो रहा है। मैं मूल बात की ओर आता हूँ एक बात और राष्ट्र या दुनिया राष्ट्र किसे कहते हैं ये पेड़ पहाड़ नदी नाले जमीन ये राष्ट्र नहीं है राष्ट्र है मनुष्य चंद्रमा में मनुष्य नहीं है मंगल या गुरु में मनुष्य नहीं है चंद्रमा को राष्ट्र नहीं कह सकते ये राष्ट्र धरती है चूंकि हम मनुष्य हैं। इसमें व्यथा दृष्टि से अलग अलग राष्ट्र बना लिए गए हैं, लेकिन आदमी आज आदमी से लड़ रहा है आदमी दुश्मन बना हुआ है और सब चाहते हैं हम शांति से जिए, कैसे हो सकता है। इसलिए आदमी को आदमी से जोड़ना होगा जिस दिन आदमी आदमी से जुड़ जाएगा उस दिन आदमी भगवान से जुड़ जाएगा। याद रखना जो धर्म आदमी को आदमी से नहीं जोड़ सकता वह धर्म आदमी को भगवान से कैसे जोड़ेगा भला। जो धर्म आदमी को आदमी से प्रेम करना नहीं सिखाता वह धर्म आदमी को भगवान से प्रेम करना कहां से सिखा देगा।
धर्म वह नहीं है, धर्म वह नहीं है जो आदमी को भगवान से जोड़ता है, धर्म वह है जो आदमी को आदमी से जोड़ता है और आदमी को अपने आप से जोड़ता है, अपनी आत्मा से जोड़ता है। धर्म वह है जो आदमी को आदमी से प्रेम करना सिखाता है। इसी धर्म की आवश्यकता, इसलिए आदमी को जोड़िए, दुनिया जुड़ेगी। वो कहानी याद करो, एक व्यक्ति शाम के समय दफ्तर से अपने घर लौटा, एक दफ्तर में काम करता था, तो काम करके लौटा, काम ज्यादा था, ऑफिस से अनेक फाइलें लेकर आया कि घर में रात में काम थोड़ा सा रात में काम करूंगा। जैसे घर में आया बेटा 5-7 साल का, पापा जी आप आगे चलिए, पापा जी मुझे आपके साथ खेलना है, आप मेरे साथ बात करिए। व्यक्ति ने कहा बेटा अभी मैं ऑफिस से थका मांदा आ रहा हूँ, देखो इतनी फाइलें लेकर आ रहा हूँ, मुझे थोड़ा आराम करने दो, फिर मैं सभी काम करूंगा, जब काम मेरा पूरा हो जाएगा तो आपके साथ खेलूंगा। बच्चे ने कहा नहीं नहीं मुझे तो अभी आपके साथ खेलना है, अभी मैं आप खेलूंगा। उस व्यक्ति ने बहुत समझाया लेकिन बच्चा जिद पकड़ लिया, माना नहीं। अब व्यक्ति हैरान तो करे क्या। तब उसने देखा सामने टेबल पर एक पुरानी मैगजीन पड़ी हुई है, बड़ी साइज की। उस मैगजीन में एक पन्ने पर दुनिया का नक्शा बना हुआ था, नक्शा छपा हुआ था। उस व्यक्ति ने उस मैगजीन के पन्ने को फाड़ा और फाड़ करके कई टुकड़े कर दिया छोटे-छोटे और अपने बेटे से कहा बेटा देखो तुम्हारे सामने अभी मैंने मैगजीन का एक पन्ना फाड़ा है, इसमें दुनिया का एक नक्शा बना हुआ था, उसको भी मैंने फाड़ दिया है। तुम एक काम करो ये दुनिया के नक्शे को जोड़ दो, फिर मैं तुम्हारे साथ खेल लूंगा। उसने सोचा था कागज के टुकड़े हैं, बच्चा दुनिया का नक्शा तो जानता नहीं, जोड़ेगा कैसे, दो चार घंटे इसमें लग जाएगा, मुझे समय मिल जाएगा, मैं ऑफिस का काम निपटा लूंगा। बच्चा दे दिया, अपना काम करने लगा। मुश्किल से पंद्रह बीस मिनट समय गुजरा होगा। उस बच्चे ने कहा पापा देखिए नक्शा तो जुड़ गया। वो हैरान हो गया कितना जल्दी तो मैं नहीं जोड़ सकता था, इतने कैसे जोड़ दिया इतना जल्दी। पूछा बेटा दुनिया का नक्शा बना सकता जिस कागज पर उसको मैंने कई टुकड़े किया था छोटे-छोटे। तू तो दुनिया का नक्शा जानता भी नहीं था, तूने इतना जल्दी जोड़ा कैसे। उसने कहा पापा बहुत सरल है जोड़ना। आपने ध्यान नहीं दिया क्या जिस पन्ने को आपने फाड़ा था और जिसमें दुनिया का नक्शा बना हुआ था उसी पन्ने की पीठ पर एक आदमी का फोटो बना हुआ था। मैंने आदमी को जोड़ा दुनिया जुड़ गई। अब आदमी को जोड़ो दुनिया जुड़ जाएगी और आदमी को आदमी से बांटने का काम करो दुनिया तो बटी जाएगी। आदमी को आदमी से जोड़ना आदमी साथ आदमियत का व्यवहार करना ये सबसे बड़ा धर्म है। और सदगुरु कबीर की सीख इसी के लिए है। पूरी जिंदगी भर उन्होंने जोड़ने का काम किया है, इसलिए वो कहते भी हैं ढाई आकर प्रेम का पढ़े तो पंडित को हिंदू को तुरु कहावे एक जिमी पर रही है, काको कहिए ब्राह्मण शूद्रा जेते औरत मर्द पाने सो सब रूप तुम्हारा। कम से कम महावीर की वाणी महावीर इसी आपके बिहार में हुए हैं। अत्यंत वैराग्यवान महातपस्वी पुरुष तथागत बुद्ध आपके बिहार में हुए हैं। और क्या नाम अनेक महापुरुष बिहार में हुए हैं। विश्वामित्र बिहार की विश्वामित्र का कार्य क्षेत्र बिहार माना जाता है। जिस विश्वामित्र की बात वाल्मीकि रामायण में आती है ये बिहार उनका कार्य क्षेत्र रहा है। स्वदेशी बिहार की धरती क्रांतिकारी धरती रही। पुराने ग्रंथों को आप पढ़कर देखें ये
बिहार की धरती, बिहार की धरती, तो प्रसिद्ध गायत्री, तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है, तस्सवितुर वरेण्यम भर्गो देवत धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ये ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 62वें सूत्र का 10वां मंत्र है। विश्वामित्र का बनाया हुआ है और हो सकता है ये गायत्री मंत्र इसी बिहार की धरती से बना हो, जैसा कि लोग विद्वान कहते हैं। मैं बात ये कह रहा था धर्म क्या है, धर्म क्या है, आदमी को आदमी से जोड़ता है। अब आदमी जिस दिन आदमी से जुड़ जाएगा उस दिन आदमी परमात्मा से जुड़ जाएगा, आत्मा से जुड़ जाएगा, सबसे जुड़ जाएगा। यही है जीवन, यही है जीवन जीने की कला, यही है आर्ट ऑफ लिविंग, यही है आर्ट ऑफ लाइफ। बात मैंने वहां उठाई थी एक होती है जीवन जीने की वस्तुएं, और एक होती है जीवन, और एक होती है जीवन जीने की कला। जीवन जीने की वस्तु, जीवन जीने की वस्तुएं कम ज्यादा मात्रा में आदमी के पास, हर आदमी के पास है, लेकिन जीवन जीने की, लेकिन जीवन जीने की कला किसी बिरले बिरले का के पास है। और जो जीवन जीने कला, जो जीवन जीने कला है जिसके पास में है वो कहीं उलझेगा नहीं, विवाद नहीं करेगा, कला नहीं करेगा, द्वंद नहीं करेगा, बैर विरोध नहीं करेगा, कोई ऐसा काम नहीं करेगा जो समाज विरोधी, मानवता विरोधी हो और आत्म विरोधी हो। आप खेती नौकरी व्यापार मेहनत मजदूरी करते हो, जीवन जीने की वस्तुएं उससे मिलती रहेगी। अब आपको सीखना है जीवन जीने की कला। वो कला ऐसा है अपने लिए संयम, दूसरों के लिए सेवा, दूसरों के साथ शील और करुणा का व्यवहार, और अपने आप पर पूरी तरह से संयम। धर्म इतने में है, दूसरों साथ शील और करुणा का व्यवहार होता है। शील एक ऐसा सद्गुण है जिसमें सारे सद्गुण आ जाते हैं। कबीर साहब की साखी याद होगी आप लोगों को, शीलवंत सबसे बड़ा, सब रत्नन की खान, तीन लोक की संपदा रही शील में आन। शील कोमल स्वभाव, कोमल विचार, कोमल वाणी, सब कुछ में कोमलता, उज्ज्वल आचरण, उज्ज्वल चरित्र शील का लक्षण है। तो दूसरों साथ शील और करुणा का, सेवा प्रेम का व्यवहार करना, अपने आप पर अच्छी तरह से संयम कर लेना। न बाहर दुख न भीतर दुख, न बाहर कला न भीतर कला। ये कला आत्मसात करना होगा सबको। जितने आत्मसात कर लिया इस कला को, उसका जीवन धन्य हो गया। यही है जीवन जीने की कला। और बीच में मैंने एक बात कही थी, पूजा चित्र की नहीं होती है, पूजा चरित्र की होती है, पूजा करियर की नहीं होती है, पूजा कैरेक्टर की होती है। आप चित्र बढ़िया बनाएं, करियर बढ़िया बनाएं, उससे बढ़िया चरित्र और कैरेक्टर को बना ले। बात देखी जाए कैरेक्टर अंग्रेजी शब्द है, चरित्र हिंदी शब्द है। बस चरित्र से ही व्यक्ति महान होता है। धन से, जाति से, पद से, प्रतिष्ठा से नहीं होता है। इसलिए सच्चे मनुष्य बने, मनुष्य बनकर के जिए, मनुष्यता का व्यवहार करें। यही सदगुरु कबीर की, महावीर स्वामी की, बुद्ध की और सभी संतों की वाणियों का सार है, निर्देश है। इसी में अपना दूसरे का भला है। दो दिनों का सत्संग कार्यक्रम आप लोग भरपूर मात्रा में आते रहे, सुबह की मीटिंग में भी, शाम की मीटिंग में भी। देवियों की संख्या देवताओं से बहुत ज्यादा है। पता नहीं देवियों में कितनी देवियां मेरी हमारी बातों को समझ पाती है, नहीं समझ पाती, लेकिन इनका प्रेम अद्भुत है। भले न समझ न पाती हो, लेकिन प्रेम भावना निष्ठा अद्भुत है। वो प्रेम निष्ठा भावना जिंदगी से बना रखने की आवश्यकता हर क्षेत्र में।
सत्संग के प्रति संत गुरुजनों के प्रति आत्मकल्याण के प्रति सेवा भक्ति के प्रति आपके मन में जो निष्ठा है भावना है श्रद्धा है समर्पण भाव है ये सब उत्तरोत्तर बढ़ते चले जाएं और सच्चे ज्ञान प्राप्त करके इसी जीवन में परम आनंद परम शांत परम संतोष का अनुभव करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए सदगुरु देव जी जय।